जब आप सुनते हैं सरदार, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नमस्कार दोस्तों, नेडरिक न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरुण फोन। ऊपर वाला सरदारी सिर देखकर ही देता है और खुश नसीब है वो लोग जिन्हें सरदारी मिलती है। आइए दिल्ली वालों से जानते हैं कि दिल्ली की जनता सरदारों के बारे में क्या सोचती है। आइए मेरे साथ। मैम, जब आप सुनते हैं सरदार, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जब आप सुनते हैं सरदार, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टर्बन, बियर्ड, पावरफुल, किंग, टर्बन, लंगर आता है मेरे दिमाग में। उनका जो लाइफस्टाइल हेल्पफुल होते हैं वो बहुत। भांगड़ा, भांगड़ा, फन लविंग होगा और क्रेजी होगा, यू नो, लाइक उनको पार्टी शार्टी करने का बहुत शौक होता है, सो बस यही आता है मेरे दिमाग में। हेल्पफुल, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, काइंड ऑफ फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। They are very cheerful people, right? They are very bubbly. Sardar, a Sardar. Pug. Or smart. Mangi karne wale. Majedar. Sardar, like, they are crazy. Frank. Honest people. Enthusiast. Bhangra. My boyfriend. Basically, पहले तो यही आता है कि मतलब सरदार है बंदा, मतलब बिंदास होगा, खुश मिजाज होगा बंदा, मतलब जॉली मूड का होगा मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, और दिल फेक होते हैं, खाने के मस्त होते हैं, शौकीन होते हैं, गालियाँ मस्त बंदे होते हैं, दारू आरू बोला दारू शारू। उनका जो इतिहास है ना, मतलब एकदम अच्छा लगता है देखने से ही, सुनने से ही। अगर आपको कोई बंदा बोले सरदार जी, तो सीना चौड़ा हो जाता है। सरदार मीन्स वो खुददारी से जीने वाला बंदा, जो अपना काम करके खुद से कमा कर अपने खुद को, मतलब अपनी जरूरत पूरी करना, और भीख मांगते कभी नहीं देगा किसी सरदार को। तो ये सरदारों की बात सबसे अच्छी लगी मुझे आज तक। लस्सी, दारू। मैं तो जहाँ रहती हूँ वो आसपास सब सिख ही रहते हैं, तो हमें ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं लगता। किंग इज किंग, गजब है। ऐसी क्या खास बात होती है इनकी जो किसी में भी नहीं होती है? फ्लर्टी, अ लॉट ऑफ फ्लर्टी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सरदार मतलब बिंदास होते हैं, मतलब सोचते नहीं है, सेंट भी मारने तो सेंट चौड़े में मारने खुले, उनके मन में जो होता है वो बोल देते हैं। बहुत क्लियर, क्रिस्टल हार्ट, व्हाटएवर दे हैव इन देयर हार्ट दे स्पीक इट आउट वेरी ओपनली, दे आर वेरी ट्रूथफुल। खुला खाना पीना, पैसों की कमी नहीं होनी, क्लियर होते हैं, इससे ज्यादा क्या भाई। वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ जोक्स, किसी भी बात में चाहे लड़ाई हो चाहे दोस्ती हो, हर चीज में आगे रहते हैं। वेलापंथी। जैसे आजकल आ भी रहे कि काफी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वो लंगर के थ्रू और बाकी सारे सोशल सर्विस जगह। खुले दिल के होते हैं वो, सारे काम कर लेते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सारे काम कर लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, मतलब वो बिंदा जीते हैं अपने लिए। भाई जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, वरना फालतू बोलते नहीं है। सरदारों में ये होता है कि एक तो वो प्योर बिजनेस माइंडेड होता है, जैसे गुरुद्वारे में सबकी हेल्प करते हैं। उनकी तो ये एक बात देखने को मिलती है कि ये लोग दूसरे लोगों की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। बिंदास होते हैं, मन में जो होता है सीधा बोल देते हैं, किसी के बारे में सोचते भी नहीं है कि सामने वाले को लगेगा क्या। ब्रेव होते हैं, सबसे अलग होते हैं, लाइक उनसे अलग ही वाइब आती है, एक गुड वाइब। आई लाइक देयर चीक्स एंड आई थिंक दे हैव हैवी बॉडीज। घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ऑल ओवर बहुत अच्छी कंपनी होती है उनकी, तो लाइक बेस्ट पीपल। जज्बा एंड और पागलपन किसी भी चीज के लिए, खुले दिल दे हुंदे ने और डरते नहीं है किस तो, जो मन चाहता वही बोलते ने, हमेशा हैप्पी रहते हैं, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, फ्री माइंड कुछ भी करो अपने मर्जी के ही होता है। सरदारों की लाइफ स्टाइल और कल्चर के बारे में क्या कहेंगे, उनका कल्चर और लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल अगर उनकी बात करें तो मोस्टली आज तक जो मैंने देखा है, मोस्टली सरदार एक तो कभी मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मैंने आज तक जो देखा है। चिकन तो लाइफ स्टाइल में रेगुलर है, मुझे प्राउड है कि मैं सरदार हूँ। एक तो बेसिकली जो हमारा ताज है, टर्बन जिसको हम कहते हैं, उसी से बंदे की लुक सब पता चल जाता है कि ये दलेर है और ये ब्रेव उसी के कारण है। काफी चाहे जैसे वो काफी लग्जूरियस, काफी लाविश लाइफ भी जी रहे हो, तो फिर भी वो जाके गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, तो चाहे जितना भी पैसा जो डाउन टू अर्थ होता है। नो आइडिया, सीरियसली नो आइडिया।
इसको तो पूरा इंडिया क्या पूरी दुनिया ही जानती है कि लाइफस्टाइल कैसा है। एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लंदन चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, जहाँ पे भी दिखेंगे आपको सरदार जी ही दिखेंगे। I like the culture, like गुरपुरब होता है, हम सब मनाते हैं, अच्छा है। जैसे कर्जा लेकर ऐश करनी हो, ऐश कर रहे हैं। कल्चर तो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी लाइक अच्छे लगते हैं, उनका रहना सहना, यू नो, सब फुल टू बिंदास एंजॉय करो अपना, हर चीज में खुश रहना एंड हर एक मोमेंट को एंजॉय करना। They have like, you can say they have their drinks with all. Like even doesn't matter if their father is sitting, right? So it's like that. Rajma chawal, chole chawal, non-veg, daru and all. Gana katniya, gaddi tez chalani, colorful pagri. Kya aap kisi sardar ni ladki ko date karna chahoge? Actually, jo meri previous girlfriend thi, that sardar ni thi wo. Are bilkul, kya mast bandiya hoti hain bilkul pakka. Sure, why not? Maybe. I am in a 1.5 year relationship. मैं सिर्फ इसी को करूँगी, नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ब्यूटीफुल होती हैं, मस्त होती हैं। बिल्कुल मौका मिल गया, बिल्कुल ये सरदारनी तो खड़ी साथ में। हाँ, yes, yes, no, जरूर हो सकता है। ना तो है नहीं, कभी नहीं। करी रही हैं, of course तो कर दी मैं यार, engaged. सरदार है तभी तो सरदार है, अभी तो उनके सर पर सरदारी सस्ती है। इतिहास गवाह है, उन्होंने सर कटवा दिए लेकिन कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।